ओके सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस स्टार्ट बाय रिसाइटिंग अ प्रेयर देन ऑल रिपीट आफ्टर मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन भगवत गीता। सो हम भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट होने से पहले एक बार जानना है तो आप लोगों में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए आज हमारे सेशन में। ओके तो जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। तो भगवत गीता जो है इट हैज 18 चैप्टर्स। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके 18 चैप्टर्स है भगवत गीता। और हर एक चैप्टर इज इंटरकनेक्टेड। जैसे आपको अगर सेकेंड चैप्टर समझना है तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर। अगर थर्ड समझना है तो सेकेंड आपको बता रहा हूँ। तो भगवत गीता का बेसिकली स्ट्रक्चर इज लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। तो इन दी फर्स्ट चैप्टर बैकग्राउंड बताते हैं कि मतलब महाभारत वॉर स्टार्ट होने से पहले हाउ अर्जुन गॉट कंफ्यूज्ड एंड हाउ ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू कृष्णा। सो दैट इज देयर इन दिस फर्स्ट चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर में कृष्णा आंसर्स ऑल द क्वेश्चन। सो अर्जुन के जितने भी डाउट्स थे सारे कृष्णा आंसर करते हैं इन दी सेकंड चैप्टर। एंड ही आंसर्स एवरीथिंग इन अ वेरी समराइज मैनर इन अ वेरी कंसाइज मैनर। नाउ अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट तो अर्जुन को सब समझ जाता है इन सेकंड चैप्टर इटसेल्फ। But this Bhagavad Gita has been spoken not for Arjun or not for Krishna. It has been spoken for people like us. Because we are not very intelligent. We are in this age of Kali Yuga. We are not as intelligent or we do not have that much of lifespan as Arjun had. So, इसलिए हमारे लिए Bhagavad Gita Krishna ने Arjun से कहा है। And Arjun जो questions पूछ रहे हैं वो उनके questions नहीं है, ये हम सभी के questions हैं। तो अर्जुन जो भी क्वेश्चंस पूछते उसके आंसर कृष्णा देते हैं इन एवरी चैप्टर। जैसे थर्ड चैप्टर आप पढ़ी कर्मयोगा। सो कर्मयोगा स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट कर्मयोगा। फोर्थ चैप्टर इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। फिफ्थ चैप्टर इज कर्मयोगा एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिक्स्थ चैप्टर इज ध्यान योगा। सो लाइक दिस एवरी चैप्टर सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? अगर नहीं दिख रहा ओके ठीक है अभी ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे बैठ सकते हो या पीछे बैठ सकते हो अगर पीछे दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है ना। ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द भगवद गीता। सो भगवद गीता बहुत ही सिस्टमैटिक एंड प्रिसाइज वे में बताया गया है बाय लॉर्ड कृष्णा। सो आज हम चर्चा करने वाली है ऑन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता इट हैज 46 वर्सेस 46 श्लोक्स है इन संस्कृत। तो ये आप देख सकते हैं ये संस्कृत में जो दिया है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सभी को इंग्लिश पढ़ने आता है? हाँ। किसी को अगर नहीं आ रहा तो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो दैट्स नॉट एन इशू। सो ये सारे संस्कृत वर्स के ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश। तो इसमें आप देख सकते हो देयर आर 46 वर्सेस। और ये सारे जो वर्स है ये सारे इंटरकनेक्टेड है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्स देन यू कैन अंडरस्टैंड सेकंड। तो हम किसी एक श्लोक में ऐसे स्टैंड अलोन लेके उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हर एक श्लोक का एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। और वो मतलब अर्जुन उसके पहले क्या कहते हैं या अर्जुन कृष्णा उनके पहले क्या उससे एक लिंकेज है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। हमें एक एक श्लोक करके समझना चाहिए। तो इससे पहले कि हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें आई विल जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड। सो दो साइड पे इन महाभारत वन इज पांडवास अदर वन इज कौरवास। और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ने वाला था। So, Duryodhan was the king of the Kauravas and Yudhishthir was the king of the Pandavas. So, now what happened is that both the armies assembled in a place called as Kurukshetra. Kurukshetra is known as Dharma Kshetra, जहाँ पे धर्म का विजय होता है। तो उस प्लेस में कुरुक्षेत्र में दोनों आर्मीज एक जगह सामने खड़े थे एंड देवर वॉचिंग इच अदर। तभी धृतराष्ट्र इज द फादर ऑफ दुर्योधन। सो धृतराष्ट्र को जानना था कि युद्ध में क्या चल रहा है बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज नॉट टेकिंग पार्ट इन द वॉर बट उनको जानना था।
व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं आपको एक दिव्य दृष्टि देता हूं कि आपको वॉट दिखेगा, पर धृतराष्ट्र व्हाट ही सेड कि मैं ऐसे में भी अंधा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे ही लोगों का मृत्यु मुझे देखना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अगर कोई सुन के बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, व्यास मुनि ने बोला कि देन आई विल गिव दिस डिवाइन विजन टू संजय। संजय इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ धृतराष्ट्र। तो संजय के पास वो डिवाइन विजन था जिससे वो वॉर में क्या चल रहा है, उस वॉर के पहले क्या होने वाला, आगे क्या बन रहा है, ये सारी चीजें देख पाते थे। सो इट्स लाइक अ मूवी, मूवी की तरह उनको दिखता था कि वॉर में एट प्रेजेंट ये हो रहा है, फिर उनको रिवाइंड करके देखना है कि ये कैसे हुआ, वो भी वो देख सकते हैं, आगे देखना है वो भी देख सकते थे, ये टाइप का उनको डिवाइन विजन मिला था। एंड संजय वॉज एबल टू सी दी बैटल एंड वो धृतराष्ट्र को बता रहे। सो ये फर्स्ट लोग देखते हैं। सो धृतराष्ट्र सेड, वो संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडू असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजाइन टू फाइट, व्हाट डिड दे डू। सो धृतराष्ट्र इज आस्किंग संजय कि आफ्टर बोथ दी आर्मी असेंबल्ड क्या हुआ, मुझे डिटेल में बताइए। तो तभी संजय, मैं आई नॉट गो थ्रू एवरीथिंग डिटेल बट आई एम जस्ट सेइंग, संजय बता रहे थे कि किंग दुर्योधन ही वेंट एंड स्पोक टू द्रोणाचार्य। सो द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य इज द गुरु ऑफ द पांडवास एंड कौरवास। ओके, सो ही वेंट एंड टोल्ड हिम। सो उन्होंने क्या बताया कि ओ माई टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडू सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। Now we have to understand this slow very important. Oh my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. इसको अगर हम ऐसे पढ़े तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो उनकी तारीफ कर रहे, बट एक्चुअली ये थोड़ा सार्कास्म है। वो द्रोणाचार्य को क्या कह रहे कि आपने धृष्टद्युम्न को जो भी बताया था, तो when he says that arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad, who is the son of Drupad? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। सो ही इज सेइंग कि ओ माय टीचर, आप देखिए कि आपने धृष्टद्युम्न को सब कुछ सिखाया। नाउ धृष्टद्युम्न वाज बोर्न स्पेशली फॉर द डेथ ऑफ द्रोणाचार्य, बट द्रोणाचार्य बिकॉज ही वाज अ ट्रू गुरु, डिस्पाइट नोइंग दैट धृष्टद्युम्न इज बोर्न टू किल हिम, स्टिल ही गेव हिम ऑल नॉलेज बिकॉज ही वाज अ ट्रू आचार्य, ट्रू गुरु। तो उन्होंने सब कुछ सिखाया था उनको, जो भी नॉलेज था, कैसे मिलिट्री साइंसेस है, कैसे आर्मीज को अरेंज करना है, कैसे फाइट करना है, ये सारे विद्या उन्होंने धृष्टद्युम्न को दिया था, डिस्पाइट नोइंग कि धृष्टद्युम्न ही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। सो यर दुर्योधन इज पॉइंटिंग आउट कि आपने ये अपेरेंटली मिस्टेक किया, तो आपने उनको सिखाया और आज उन्होंने ही आपके सामने आपके एनिमी बन के खड़े हैं, और आपका ज्ञान लेके ही उन्होंने आर्मी को इतने अच्छे से मतलब तैयार किया कि आपको ही भारी पड़ेगा। तो एक तरफ से वो व्यंग से कह रहे हैं कि आपके शिष्य ने ही आपके अगेंस्ट इतना बड़ा आर्मी खड़ा किया। तो तभी नाउ दुर्योधन इज सेइंग अबाउट द आर्मी ऑफ पांडवास, मतलब पांडव के आर्मी में कौन से फाइटर्स हैं। तो बता रहे यार इन दिस आर्मी ऑफ देर आर मेनी हीरोइक बोमैन इक्वल इन फाइटिंग टू भीमा अर्जुन। तो बता रहे कि भीम एंड अर्जुन की तरह और भी बड़े बड़े सैनिक है जो पांडव के आर्मी में। कौन बता रहे? दुर्योधन बता रहे, विराट एंड द्रुपद। विराट एंड द्रुपद सबको बता हुआ कौन है? सो द्रुपद जो है ही इज द फादर ऑफ द्रौपदी। हां, तो ही इज लाइक दी इज द फादर इन लॉ ऑफ ऑल द पांडवास। सो हु इज विराट बता। सो विराट जब 13th ईयर ऑफ एग्जाइल में ऑल द पांडवास वर लिविंग इन कॉग्निटो, मतलब अज्ञातवास में जब वो रह रहे थे, तो विराट नरेश के पास जाके वो अलग अलग वेश में रह रहे थे। तो विराट महाराज इज द किंग ऑफ मत्स्य करके एक देश था, उसके किंग थे। एंड युयुधन जो है ही इज एक्चुअली ही हैज अनदर नेम सात्यकी। सात्यकी आपने सुना होगा, सात्यकी इज अ वृष्णी। कृष्णा के फैमिली में जो भी थे दे आर नोन एज वृष्णीस, तो उनमें से सात्यकी वाज अ वृष्णी। एंड सात्यकी का एक दूसरा नाम है युयुधन। सो ही इज ऑल्सो अ डिसाइपल ऑफ अर्जुन, जैसे अर्जुन वॉज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ द्रोणाचार्य, सिमिलरली सात्यकी और युयुधन ही वॉज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ अर्जुन, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अर्जुन। सो दीज थ्री वॉरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता रहे। देन देर आर मेनी ग्रेट एंड हीरोइक फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, चकेतन, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज एंड सर्वियर। ये दूसरे इंपॉर्टेंट वॉरियर्स है ऑन द साइड ऑफ पांडवास। तो
बेसिकली एक व्यू दे रहे कि पांडवास के साइड में ये सारे बड़े बड़े योद्धे आए, फिर वो बता रहे कि और भी योद्धा का डिस्क्रिप्शन दे रहे, देर आर द माइटी युद्धमान्य, द वेरी पावरफुल उत्तमोज। सो युद्धमान्य उत्तमोज कौन है समझना जरूरी है। तो जनरली क्या था कि कभी कोई बड़ा आदमी रहता है तो उसके आजू बाजू में ना बड़े बॉडी गार्ड्स रहते हैं, भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को हमेशा गार्ड रहते थे 7 बॉडीगार्ड्स। वैसे जब अर्जुन थे, अर्जुन जहां पे भी अपना रथ लेके जाते थे उनके उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो बॉडीगार्ड्स थे। सो वो कौन थे, एक युद्धमान्यु थे और एक उत्तमोज थे। सो ये दोनों पांचाल के प्रिंस थे, मतलब दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द्रुपद एंड बोथ वर वेरी स्ट्रांग, इसलिए उनके लिए वर्ड यूज किया, देयर माइटी युद्धमान्यु एंड वेरी पावरफुल उत्तमोज। तो अर्जुन जब भी रथ लेके जाते थे तो अर्जुन के रथ के लेफ्ट साइड में युद्धमान्यु रहते थे और राइट साइड में उत्तमोज रहते थे। तो दीज टू वॉरियर्स आल्सो वेरी पावरफुल। फिर द सन ऑफ सुभद्रा, सन ऑफ सुभद्रा कौन है, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु। हाँ, तो ये भी बताया कि अभिमन्यु इज ऑल्सो देयर एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी। तो द्रौपदी के पांच पुत्र थे, द्रौपदी के पांच हस्बैंड्स थे जो पांच पांडव थे, हर एक पांडव के एक पुत्र थे। तो ये सारे जो योद्धा है ये दीज आर ऑल ग्रेट चैरियट वॉरियर्स, मतलब दे आर महारथीस। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दुर्योधन इज बेसिकली सेइंग कि एनिमीज के साइड में ये सारे महान योद्धा है। अभी दुर्योधन इज वेरी डिप्लोमेटिक, तो उन्होंने एनिमी के बारे में बताया, बट द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए भी वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि हमारे साइड में कौन कौन है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, लेट मी टेल यू द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स, मतलब हमारे साइड में कौन कौन है। देर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ सोमदत्त कॉल्ड भूरिश्रवा हु आर ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल। तो क्या बता रहे कि हमारे साइड में कौन कौन वॉरियर्स है। वन इज देयर इज भीष्म, यू मतलब द्रोणाचार्य आप हो, भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड सन ऑफ सोमदत्त कॉल्ड भूरिश्रवा। तो ये ही जन का हम एनालाइज करते हैं। तो द्रोण एंड भीष्म एंड कर्ण ये तीन बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स थे ऑन दी कौरवा साइड। व्हाई, बिकॉज दे वर द डिसाइपल्स ऑफ परशुराम। परशुराम भगवान स्वयं है, भगवान के रूप है और उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स थे दोनों, मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म एंड कर्ण। तो ये तीनों बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज थे। फिर कृपाचार्य है उनके कुल गुरु थे, कौरवास के कुल गुरु, मतलब द्रोणाचार्य के पहले अगर कोई गुरु थे तो कृपा थे। अश्वत्थामा जो है सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बेटे। विकर्ण जो हमारे पास 100 कौरवास है, ठीक है, तो 100 कौरवास सबसे बड़े कौन है, दुर्योधन, फिर दुशासन, फिर विकर्ण भी आते। विकर्ण वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कौरव, मतलब जो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के उनमें से सबसे स्ट्रांग था विकर्ण। एंड सन ऑफ सोमदत्त कॉल्ड भूरिश्रव। तो सोमदत्त है कृष्ण के फैमिली के एक मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका एक बेटा था भूरिश्रव, सो ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो वो बता रहे कि ऑपोजिंग साइड में इतने सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज है बट हमारे साइड में भी देर आर वेरी पावरफुल पीपल। तो वो क्या बता रहे कि ऑल दीज हीरोज आर प्रिपेयर टू ले डाउन आवर लाइव्स फॉर माय सेक, मतलब ये जो भी सोल्जर्स का मैंने नाम लिया है दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर रेडी टू ले डाउन माय लाइव्स फॉर माय सेक। एंड ही सेइंग दैट आवर स्ट्रेंथ इज इनमेजरेबल एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म, वेयरएज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवास केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, so our strength is immeasurable and we are carefully protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. तो यहाँ पे दुर्योधन is talking like a normal material person. तो एक normal materialistic person how does he calculate, कि वो देखते हैं कि मतलब अगर दो सेना युद्ध कर रहे तो किसके पास ज्यादा soldiers है, किसके पास ज्यादा experienced generals है, ये सब normal चीजें evaluate कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास 11 अक्षौहिणी सोल्जर है, 11 अक्षौहिणी इज अ वेरी ह्यूज नंबर एंड पांडवास ओनली हैव 7 अक्षौहिणी, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जनरल्स देखो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, तो हमारे पास भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, विकर्ण है, लाइक वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट वॉरियर्स। एंड ऑन दी अदर हैंड अर्जुन मतलब पांडवास के साइड में उतने नहीं है,
देयर इज ओनली अर्जुन भीमा और दो तीन मतलब वॉरियर्स हु आर नॉट एज एक्सपीरियंस एज द कौरवास. तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेशन में क्या बोला कि आवर स्ट्रेंथ इज इनमेजरेबल, मतलब कौरवास का जो स्ट्रेंथ है वो एकदम अपार है, इट इज इनमेजरेबल एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म, मतलब भीष्म पितामह हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं. Whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. मतलब दो Bhima is very strong, but he is not as strong as Bhishma. ये Duryodhan बता रहा है, ठीक है? तो अगर ये statement आप analyze करेंगे, तो what Duryodhan is saying is very correct. But at the end आप जब देखोगे, तो किसकी जीत हुई थी? Pandavas या Kauravas? Pandavas. क्यों हुई? हनुमान जी के साथ में थे ना और कृष्ण जी. उसी की विजय होती. एक और बैटल हुआ था कुरुक्षेत्र में, कोई बताना चाहिए महाभारत के अलावा? हल्दी घाटी भी तो हुआ था. नहीं कुरुक्षेत्र में हुआ, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, अब महाभारत में. नहीं वो भी मत्स्य देश में हुआ था. और अच्छा वो उनका हुआ था ना ये भीम और एक और योद्धा था, नाम नहीं आता था. नहीं वो भी नहीं थे. ओके तो हिंट है तो भीष्म का एक युद्ध हुआ था वहां पे, भीष्म और ये परशुराम का. हां भीष्म और परशुराम वो लड़की का हुआ था. हां मैं बताऊं ठीक है. तो भीष्म एंड परशुराम, सो भीष्म के गुरु महाराज थे परशुराम, एंड परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान स्वयं है नारायण का. हाँ तो फोन ऑफ कर. हाँ सो भीष्म जो है ही वाज फाइटिंग इज गुरु महाराज, और उनके गुरु महाराज भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, वो भगवान स्वयं थे. बट फिर भी जीत भीष्म की हुई थी. क्यों हुई थी? बिकॉज़ ही वाज राइट. हाँ और कोई बता दे. अच्युत प्रभु. ओके सो भीष्म वो युद्ध इसलिए हुई थी कि भीष्म हैड टेकन अ वाउ ऑफ ब्रह्मचर्य, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर ब्रह्मचार्य रहेंगे, पर उनके गुरु उनके विरुद्ध जाकर वो उनको कह रहे थे कि अंबा से आप विवाह करो. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हिज गुरु वाज फॉलोइंग अधर्म, वो उनको उनकी व्रत तोड़ने बोल रहे थे. भीष्म वाज फाइटिंग ऑन द कॉज ऑफ धर्म, वो उनकी ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए वो फाइट कर रहे थे, इसलिए भीष्म ने भगवान जी को भी हरा दिया. तो अभी कोई बोले कि भगवान को कोई कैसे हरा सकता है, तो ये भी भगवान का ये लीला है कि भगवान कभी कभी हमारे उनके भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनके भक्त का नाम और आगे करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अधर्म का साथ दे रहे, बट ऐसा होता नहीं है कभी. तो यहाँ पे सेम भीष्म जब कौरवास के साइड में लड़ रहे थे, अधर्म के साइड में लड़ रहे थे, और उनके ऑपोजिशन में जो थे वो काफी मतलब ऑफकोर्स परशुराम के लेवल पे नहीं तो नहीं थे, मतलब पांडवास दो देवर वेरी स्ट्रॉन्ग, देवर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज परशुराम, बट फिर भी उनका विजय नहीं हुआ. तो इससे ये पता चलता है कि हमेशा इफ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग प्रॉपरली एंड इफ यू आर इन द राइट प्रोसेस देन हमारा विक्ट्री होना ही है. इट डजंट मैटर कितना ऑड्स अगेंस्ट, मतलब इन मैथमेटिक्स वी आर समथिंग कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है, कितना हारने का प्रोबेबिलिटी है, बट इट डजंट मैटर इफ यू आर इन द राइट प्रोसेस, इफ यू आर फॉलोइंग धर्म प्रॉपरली, इफ यू आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, इफ यू आर ऑन द राइट साइड देन आवर विक्ट्री इज सर्टेन. सो दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द भगवद गीता. सो अभी क्या बता रहे कि ऑल ऑफ यू मस्ट give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Okay, grandfather Bhishma ka ek weakness bhi tha, koi bata jayega matlab kyu wo bol rahe ki grandfather Bhishma ko aap support dijiye, in iska ek reason tha kyunki unhone pratigya liya tha ki wo hamesha apne country ka seva karenge, wo to tha usko kya baat hai. ha Pandav हाँ हाँ वो तो है, लेकिन भीष्म पितामह का एक वीकनेस था, उन्होंने बताया था युद्ध के पहले उसको पांडव का वध नहीं करेंगे, वो ठीक था, लेकिन वो तो अवतार लिया था, तो ग्रैंडफादर भीष्म ने
व्रत लिया था कि अगर कोई स्त्री उनके सामने आए तो वो फाइट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो एक टाइम पे स्त्री था बाद में वो पुरुष हो गया, ऐसे भी पर्सन को वो स्त्री ही मानते थे, वो उनसे फाइट नहीं करेंगे। तो पांडव के साइड में एक देयर वाज अ प्रिंस नेम्ड शिखंडी, तो शिखंडी वाज बोर्न एज अ वुमन एंड लेटर ऑन आफ्टर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ अ यक्ष ही बिकेम अ मैन, एंड ये जो शिखंडी थे वो उसके पिछले जन्म में अंबा थे। तो ये दो रीजन के कारण उनसे फाइट नहीं करते, तो ही वाज बोर्न एज अ वुमन एंड इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वाज अंबा, फॉर दैट रीजन ही वुड नेवर फाइट। तो उन्होंने दुर्योधन को ये पहले से बता दिया था कि इफ शिखंडी कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई विल गिव अप फाइटिंग, आई विल नॉट फाइट। तो इसलिए व्हाट दुर्योधन एंड अरेंज की वो सेवन वॉरियर्स को सराउंड करके, मतलब भीष्म को सेवन वॉरियर्स से सराउंडेड रखते थे ताकि शिखंडी कभी उनके सामने ना आ पाए। इफ शिखंडी कम्स देन इमीडिएटली वन ऑफ दिस वॉरियर विल एंगेज शिखंडी एंड कीप हिम अवे। ये पांडव को उस टाइम पे पता नहीं था, बट द कौरवास न्यू, अरे ये डायरेक्टली वो बता भी नहीं रहे यहाँ पे, बट एक्चुअली इनका मीनिंग ये। देन भीष्म द ग्रेट वैलेंट ग्रैंडसन ऑफ द कुरु डायनेस्टी द ग्रैंडफादर ऑफ द फाइटर्स ब्लू हिज कॉन्च शेल वेरी लाउडली मेकिंग अ साउंड लाइक द रोर ऑफ अ लायन गिविंग दुर्योधन जॉय। तो अभी जब युद्ध होता था या फिर कोई भी एक कुछ चीज होना रहता था, तो पहले ना वो ऐसा शंख बजाते हैं कोई भी ऑस्पिशियस चीज करने से पहले, अभी भी मतलब पूजा करने से पहले हम शंख बजाते हैं या फिर पूजा के बाद बजाते हैं। तो वैसे युद्ध जो था वो एक धर्म युद्ध था, मतलब आज के जमाने में ऐसा युद्ध नहीं था कि कोई भी किसी को भी आके पीछे से मार दे, वैसा नहीं था। तो दैट वाज अ धर्म युद्ध, इट वाज लाइक अ प्रॉपर, जैसे आज के जमाने स्पोर्ट्स होता ना, जरा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे टाइप के युद्ध होते थे पहले। तो वन वॉरियर विल ओनली फाइट विद वन वॉरियर, अगर कोई घोड़े पे है तो वो घोड़े घुड़सवार से ही फाइट करेगा, तो कोई हाथी पे तो हाथी वाले साइड पे, वैसे ही था। और मतलब बहुत सारे रूल्स थे, मतलब बिफोर जब तक सूर्य है तब तक ही वो फाइट करेंगे, रात को फाइट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई इट वाज अ धर्म युद्ध। तो भीष्म ने युद्ध स्टार्ट करने से पहले उनका शंख बजाया, तो जैसे शंख बजाया तो ऐसे मतलब बहुत साउंड हुआ ऑन द कौरवा साइड, एंड ऑन द अदर हैंड मतलब लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन इन्होंने भी अपना शंख बजाया। अभी कृष्ण ब्लू इस शंख नोन एज पंचजन्य, सो ये पंचजन्य जो है ये बहुत ही मतलब पवित्र शंख है। तो अगर आप कृष्णा बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक राक्षस था उसको मारने के बाद उन्होंने ये शंख हासिल की थी। अर्जुन ब्लू इस कॉन्च देवदत्ता, तो देवदत्ता भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस कॉन्च है। भीमा ही ब्लू इस कॉन्च पांगरा, सिमिलरली युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती ही ब्लू अनंत विजय, नकुल एंड सहदेव ब्लू सुघोष एंड मणिपुष। तो ये जो शंख है ये कोई ऑर्डिनरी शंख नहीं है, दीज आर ऑल डिवाइन कॉन्शियस। जब ये बजा रहे थे बिकॉज द पांडवास दे हैड कृष्णा ऑन देयर साइड, कृष्णा वाज ऑन देयर साइड, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब एक आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो वो जो भी करता है मतलब उससे इतना अच्छे से करता है कि मतलब सब लोग प्रभावित हो जाते हैं उससे। तो दे वर ब्लोइंग द कॉन्च सो पावरफुली कि सारे जो पांडव है उनके मतलब रोंगटे खड़े हो गए, दे ऑल गॉट एक्साइटेड। ऑन द अदर हैंड जो कौरव थे उन्होंने जब वो आवाज सुनी तो उनका सब उनके हृदय है ना वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया। तो द ब्लोइंग ऑफ दिस डिफरेंट कॉन्शियस बिकेम अप्रोरियस वाइब्रेटिंग बोथ इन द स्काई ऑन द अर्थ इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो याद देखिए मतलब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ बट जस्ट बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द कॉन्शियस इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के जो बेटे थे दे ऑल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस। तो अभी जाके हमारा भगवदगीता का भी जो है ये बैकग्राउंड है। Now, before the war starts, the Bhagavad Gita will start actually from this slope, so 20th. So, abhi kya hota hai? Ki Arjun jo the, he became very excited. He wanted to see ki saamne kaun kaun hai. I want to see who has come to fight on the Kaurava side. So, he told Krishna ki aap ek kaam kijiye, hamara jo rath hai, wo dono senai ke beech mein khada kar dijiye. And I want to see properly who is there on the opposing side. To ye kehke अर्जुन वेंट देयर। सो वो कहते हैं लेट मी सी दोस हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। सो हैविंग सेड दैट कृष्णा ने क्या किया उनका जो रथ उठाया वो उठा के दोनों आर्मीज के बीच में खड़े कर दिए। फिर अर्जुन को क्या दिखा देन अर्जुन कुड सी विद इन द मिड्स ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज हिज फादर्स ग्रैंडफादर्स टीचर्स मैटरनल अंकल्स ब्रदर्स सन्स ग्रैंडसन्स friends and also his father-in-law and well-wishers. So, वापस देखिए
ऑपोजिंग साइड में उनको क्या दिखा, कोई दुश्मन नहीं दिखे, उनको दिखे उनके पिता समान लोग, उनके मतलब उनके ग्रैंडफादर्स, उनके टीचर्स, उनके मामा, उनके भाई, उनके उनके बेटे के समान लोग, उनके ग्रैंडसन्स, उनके फ्रेंड्स एंड ऑदर ऑल्सो हिज फादर एंड मैन वेल विशेस. तो आप सोचिए, मतलब यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, यू हैव टू किल अदर्स एंड आगे आगे जाके देखोगे हमारे खुद के फैमिली वाले ही सब है. तो जब अर्जुन सॉ ऑल दिस डिफरेंट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अचानक से उनको मतलब बहुत कंपैशन आ गया. तो वो सोचने लगे कि मैं अपने खुद के फैमिली वालों के साथ कैसे लड़ूं. तो वो इतने दिन से मतलब इतने टाइम से वो मतलब काफी एक्साइटेड थे कि आई विल गो एंड किल द कौरवास. बट अभी जाके उनको रियलाइज हुआ सडनली, अफकोर्स ही न्यू कि वो ऑलरेडी रिलेटिव्स है, बट वो उसे सोच नहीं रहे थे. अभी सामने सामने जब देखे तो अचानक से उनको मतलब काफी दुख हो गया. एंड ही वाज सेइंग कि अभी क्या कर सकता. So then what did Arjun said? Seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. So बता रहे कि इनको देख के मैं कांप रहा हूँ, थर थर कांप रहा हूँ. At the same time मेरा जो गला है, मुंह है, वो सूख जा रहा है. My whole body is trembling, my hair is standing on end and my bow gandiv is slipping from my hand and my skin is burning. तो ये सब कभी होता है जब जब एक आदमी बहुत ही दुखी रहता है, तभी ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माय हेयर इज स्टैंडिंग ऑन. तो अच्छा एक चीज ये काफी इम्पोर्टेंट है, हमारे रोंगटे कब खड़े होते हैं, मतलब व्हेन डज आवर हेयर स्टैंड. दो सिचुएशन में खड़े होते हैं, घबराहट में और नर्वसनेस, बहुत एक्सट्रीम खुशी में और बहुत एक्सट्रीम घबराहट में. ये दो सिचुएशन में हमारे रोंगटे खड़ा होते हैं. गूज़बम्प्स, सॉरी गूज़बम्प्स. हां तो यही है. तो अर्जुन जो है ही वॉज ऑल्सो लाइक गेटिंग द सेम थिंग. ऑफ कोर्स यहाँ पे उनको खुशी नहीं हो रही थी, यहाँ पे उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए वो ऐसे खड़े थे. एंड आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग, आई सी ओनली कॉजेज ऑफ माय मिसफॉर्चून कृष्णा, किलर ऑफ द केसी डेमन. तो अभी वो बता रहे हैं कि मैं इनको मारूंगा तो देन ओनली आई विल बिकम अनहैप्पी, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज़ अर्जुन ऐसे सोच रहे थे कि इफ आई किल देम देन व्हाट विल हैपन, लाइक आई विल इंकर सिन. अभी अर्जुन ही इज अ वेरी सॉलिड डिवोटी, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज द शास्त्र, ही नोज दैट क्षत्रिय धर्म हैज टू फाइट. बट ही व्हाट इज ही सीइंग दैट सामने जो भी है, मतलब दे आर हिज ओन रिलेटिव्स. तो वो सोच रहे कि अगर मैं इनको मार के जीत भी लूं, पूरा किंगडम जीत भी लूं, तो फायदा क्या है. तो जनरली हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अगर समझो किसी को कोई अच्छा जॉब चाहिए, क्यों जॉब चाहिए, कि जॉब मिलेगा फिर मैं सबको बताऊंगा, मेरे रिलेटिव्स को बताऊंगा, मेरे भाई बहनों को बताऊंगा कि मुझे अच्छा जॉब मिला, देन वी फील हैप्पीनेस. बताने से हमें हैप्पीनेस फील होता है. बट यहाँ पे वो किंगडम जीतेंगे पर बताने के लिए कोई रहेगा ही नहीं. सो ही वाज थिंकिंग कि मतलब ये जीतते हुए भी मैं हार जाऊंगा, सो बेटर इज कि आई डोंट फाइट, मुझे सोच रहे थे. फिर अभी ये अर्जुन इज गिविंग लॉट ऑफ रीजंस. So I'll go into some details of it. So sin will overcome us if we slay such aggressors. तो बता रहे कि अगर मैं ऐसे लोगों को मार दूं, तो मुझे पाप लगेगा. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our son and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune? How could we be happy by killing our own kinsmen? So वो बता रहे कि if we kill such people, then sin will happen. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी write some purport. ठीक है, तो ये वर्ड एग्रेसर है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए. ठीक है, सो प्रभुपाद व्हाट ही सेज दैट देयर आर सिक्स काइंड ऑफ एग्रेसर्स. ठीक है, जिनको एग्रेसर्स सब समझते हैं, एग्रेसर मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स तोड़े और उनको पनिशमेंट देना है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर आर सिक्स काइंड ऑफ एग्रेसर्स जिनको मृत्यु दंड दिया जा सकता है या फिर उनको हम मार सकते हैं. कोई बताना चाहेगा कौन से सिक्स टाइप्स है? हाँ, वन गिव्स पॉइजन, अगर कोई किसी को जहर दे तो वैसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है. और हाँ, अगर आपका राज्य या फिर आपका जो जमीन है उस पर अगर कोई जबरदस्ती के कब्जा कर ले, ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है. हाँ, अगर किसी पर स्त्री का मतलब कोई हरण करता है, तो फिर if somebody kidnaps someone else's wife, then such a person can be killed. हाँ, setting fire to house. तो आपके घर में अगर किसी ने आग लगा दी, तो वैसे व्यक्ति को भी आप
मिट्टू रन दे सकते और चार हो गए। ओके अगर किसी ने आप ये एक्चुअली हमारे मॉडर्न लॉ में भी अगर किसी ने आपको मतलब मारने की कोशिश की या फिर समवन अटैक्स यू विद डेडली वेपन्स देन सेल्फ डिफेंस में हम मार सकते हो ये पांच वाला छठा आप बताइए। हाँ भगवान बोलते हैं वो तो है बट ये थोड़ा मटेरियल चीज है तो भगवत गीता के हिसाब से मैं पूछा हुआ ठीक है तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं छह टाइप्स जैसे भी अभी इफेक्ट पे डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पे छह टाइप ऑफ एग्रेसर्स दिए ठीक है। फर्स्ट इज अ पॉइजन गिवर तो किसने विष दिया तो उसको हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। One who sets fire to the house, अगर किसी ने आग लगा दी आपके घर पे या फिर कहीं पे तो उनको भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। थर्ड इज वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, किसी ने आपको डेडली वेपन्स अटैक किया आप सेल्फ डिफेंस में उनको मार सकते हैं। वन हु प्लंडर्स रिचेस, मतलब किसी ने आपको पूरा लूट लिया जबरदस्ती आगे मतलब कोई डाकू आ गया वो लूट लिया तो वैसे भी व्यक्ति को मारा जा सकता है। वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, मतलब किसी और का लैंड अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उनको भी मारा जा सकता है। वन हु किडनैप्स अ वाइफ, इनको ठीक है। तो अभी दुर्योधन का केस है तो दुर्योधन इनमें से कितने मतलब रूल्स उन्होंने तोड़े थे? ऑल सिक्स। ओके एग्जांपल दे रहा था फर्स्ट रूल का भी तोड़ा था उन्होंने। हाँ तो भीम जब छोटे थे तो भीम को उन्होंने पॉइजन मिक्स करके दे दिया था और उनको गंगा नदी में फेंक दिया था तो तभी उन्होंने फर्स्ट रूल तोड़ा। सेकेंड का भी तोड़ा था लाक्षाग्रह, तो लाक्षाग्रह में जब वो आग लगाने जा रहे थे तो उन्होंने सेकेंड रूल तोड़ा। थर्ड हाँ अटैक्स विद डेडली वेपन्स, वो जमीन वाला बाप में आएगा। हाँ द्रौपदी वस्त्र भी बाद में आएगा। तो विराट युद्ध जब हुआ था तब उस टाइम अर्जुन पे अटैक किया था दुर्योधन ने आज पूरे कौरव सेना ने, दे अटैक विद डेडली वेपन्स। फिर वन हु प्लंडर्स रिचेस, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ किया था जब वो गैम्बलिंग मैच हुआ था तो उन्होंने सारे जो धन थे और लैंड थे दोनों ले ली थी। एंड वन किडनैप्स अ वाइफ, तो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया था। तो इन शॉर्ट दुर्योधन ने छह के छह नियम तोड़े थे और यहाँ पे मतलब शास्त्र में लिखा कि अगर किसी ने एक भी नियम तोड़ा तो उसको जो मृत्यु दंड दे सकता है, यहाँ पे दुर्योधन ने छह के छह तोड़े थे तो इसलिए कृष्णा इज आस्किंग अर्जुन टू फाइट। So, कई बार गैम्बलिंग के तो शामिल हो सकता है। सॉरी गैम्बलिंग हाँ अगर कुछ इंक्लूडेड फॉर इट। हाँ रीजन ये था कि वो गैम्बलिंग मैच एक्चुअली रिग्ड था, अगर प्रॉपर गैम्बलिंग होता तो अलग बात है। वो ही वाज यूजिंग अ चार्म्ड डाइस, इट वाज अ रिग्ड गेम, दैट्स व्हाई ही इज एक्चुअली लूटिंग बिकॉज़ ही इज विनिंग बाय चीटिंग एक्चुअली। वैसा सॉरी लेकिन सामने वाले पहचान गए थे अर्जुन। हाँ मतलब जब लड़ रहे थे तब दुर्योधन पहचान गए थे ही अर्जुन, और अर्जुन ने भी तभी उस समय मतलब दो उनका रूप अलग था बट उन्होंने गांडीव लिया था यूनिवर्स फायरिंग थी वेपन्स, उनको भी समझ गया था कि अर्जुन ही है। अर्जुन इनफैक्ट वो वॉर करने से पहले ने उन्होंने मतलब प्रणाम किया था भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को प्रणाम करने के बाद ही फाइट किया था। तो ये सारे जो रूल्स है सारे के सारे दुर्योधन ने तोड़ दिए थे इसलिए उनके लिए एक ही दंड था मृत्यु दंड। तो कई बार मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि कृष्णा अननेसेसरीली उन्होंने वायलेंस को एनकरेज किया बट हियर वी फाइंड दैट उन्होंने काफी मतलब बर्दाश्त किया था, मतलब जब उन्होंने छह के छह नियम तोड़े तभी जाके कृष्णा ने बोला कि यू गो एंड फाइट। तो आप देख सकते हो कि मतलब पांडवास एंड कृष्णा दे वर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ धर्म, ठीक है। सो दिस श्लोक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमें ये पता चलता है कि किसे मतलब सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉ स्टैंड पॉइंट, मतलब हमें कई बार पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए धर्म के हिसाब से किन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए, तो ये हम रिफर कर सकते हैं ये श्लोक। जो राजा होता है इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, he is authorized to give the punishment, but in this case Yudhishthir Maharaj, because he was the king, he can give the punishment or he can authorize someone to give the punishment.
ऐसा। तो अभी के गवर्नमेंट गवर्नमेंट में ऑफकोर्स हमारा गवर्नमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी डिफरेंट, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे बताना कि किसको देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी दे हैव टू फॉलो द शास्त्र। एसी अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मतलब या तो भी चलता है या फिर बंद होता है। Yes, yes. So that's what I'm saying. मतलब actually उसके लिए the punishment is death. But अभी वो follow नहीं होता। इसलिए कलयुग में क्या हो रहा है कि जो demons है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो rules follow नहीं हो रहे। जो law enforcer है, he is not acting properly. That's why मतलब जो corrupt लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी अर्जुन क्या कहते हैं? ओ जनार्दन, although these men their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो यहाँ पे अर्जुन is giving all the logical reasons not to fight. तो वो क्या बता रहे हैं कि कौरवास they are ignorant, they do not see all these things. But I am a विद्वान, I am a learned person. So मुझे पता है कि मारने के बाद ऐसे सब चीजें हो गए, मतलब जो भी। तो ये क्या बताते हैं? With the destruction of a dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in religion. मतलब जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद क्या होता है कि जितने भी हमारे नियम थे शास्त्र के फॉलो करने का या फिर जो भी है वो सारे टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? कि अगर समझो जो घर के जो बड़े हैं वो ही ना रहे तो हमें कौन सिखाएगा कि सही क्या है क्या गलत है? वो कुछ सिखाने के लिए रहेगा? तो इटरनल family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in religion. मतलब अगर head of the family मारा जाए war में, तो जो उनके बच्चे या उनके dependent उनको सिखाया कौन सही क्या है गलत क्या है? तो ये सारे irreligion में फंस जाएंगे। So when irreligion is prominent in the family operation, the woman of the family becomes polluted, and from the degradation of womanhood, or descendant of Rishni comes unwanted progeny. So this is also very important. So, जब जो प्रोटेक्टर होते हैं, मतलब हेड ऑफ द फैमिली वो ही ना रहे, तो जो स्त्री है वो अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं। तो ऐसे स्त्री को मतलब दूसरे जो राक्षस जैसे लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो वैसे अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? द वुमन विल गेट करप्टेड। सो कई बार आप मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हो कि द मुगल्स दे इन्वेडेड द मराठास, दे किल्ड ऑल द मेन एंड दे टुक ऑल द वुमन। तो वो फिर वो वुमन को मतलब दे ट्रीटेड वेरी बैडली, एंड फिर उनके जो बच्चे हुए थे चिल्ड्रन वर आल्सो लाइक दे वर अनवांटेड बेसिकली। सो उनमें कोई संस्कार नहीं था, दे आल्सो बिकम लाइक देयर फादर्स ओनली, दे बिकम प्रैक्टिकली लाइक राक्षसस। सो एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सडनली कॉजेस हेल इन लाइफ बोथ फॉर द फैमिली एंड फॉर दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन। तो अर्जुन कैन फोरसी ऑल दिस थिंग्स। वो ये बता रहे थे कि सामने पहले अगर आर्मी में सारे जो पुरुष है वो मारे जाए तो उनके जो स्त्री है दे विल बिकम करप्टेड एंड देयर चिल्ड्रन विल बिकम इवन मोर करप्टेड। सो द एंसेस्टर्स ऑफ सच करप्ट फैमिलीज फॉल डाउन। सो ये क्यों बता रहे? बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर आर एंटायरली स्टॉप्ड। तो अभी क्या होता है कि अपने पिंडदान के बारे में सुना रहे हो? तो पिंडदान हमारे एंसेस्टर्स को देते, हमारे जो फोरफादर्स है उनको पिंडदान देते। पिंडदान मतलब जो हमारे पूर्वज है उनको हम एक टाइप का मतलब ऑफरिंग देते, कुछ खाना देते ताकि वो जो है मतलब उनका कल्याण हो। अगर वो स्वर्ग में है तो स्वर्ग में ही वो रहे या फिर स्वर्ग से और ऊंचा जाए, इसलिए पिंडदान देते हैं। ठीक है, तो अभी के जमाने में पिंडदान जो देते हैं वो उतना पॉसिबल नहीं है। रीजन इज वी डू नॉट हैव वेल क्वालिफाइड ब्राह्मणस हू कैन एक्चुअली परफॉर्म दिस पिंडदान। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, सो व्हाट इज द मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इफ यू सिंपली चैंट दिस मंत्र इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग ऑल द सैक्रिफाइसेस। जितने भी यज्ञ है वो सारे यज्ञ करने का जो फल है वो हमें ये मंत्र जाप करने से मिल जाता है। तो इफ यू सिंपली चैंट दिस मंत्र ऑटोमेटिकली डिलीवर आवर सेल्फ
विल डिलीवर आवर फैमिलीज, विल डिलीवर आवर फोरफादर्स, मतलब हमारे एंसेस्टर्स को भी डिलीवर कर देंगे, हमारे फैमिली को भी और हमको भी, सबको डिलीवर कर देंगे सिंपली बाय चैंटिंग दिस मंत्र. Yes. So when you say ancestors, means whom? The soul of the ancestors. Yes, soul of the ancestors. But they get birth again. It depends on what kind of birth they will get. So, तो मैं बताता हूँ. अगर if your ancestor was very pious, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, तो they will go to the higher planets, that is the heavenly planets. ठीक है. तो heavenly planets में रहने के लिए they need to have lot of good karma. तो कैसा होता है कि दे स्टे इन द हेवनली प्लैनेट्स एज लॉन्ग एज दे हैव द स्टॉकपाइल ऑफ गुड कर्म. तो आप ऐसे सोचिए कि आपके पास जब तक बैंक बैलेंस है तब तक आप जाके मतलब कहीं मॉरिशियस में जाकर रह सकते हो या फिर पाली में जाकर रह सकते हो. जब तक बैंक बैलेंस है तब तक रह सकते हो. एक बार का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा वापस उनको इंडिया आना पड़ेगा. सो सिमिलर इज द केस ऑफ दीज पायस सोल्स ऑल्सो. जब तक उनके पास अच्छे पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का खाता है, तब तक वो हेवनली प्लैनेट्स में रह सकते हैं. तब तक वो ब्रह्मलोक में रह सकते हैं या इंद्रलोक में रह सकते हैं. जैसे ही वो खाता खत्म हो जाता है, अगेन दे टेक बर्थ हियर. सो ये जो एंसेस्टर्स है ऑफ अर्जुन और इवन दुर्योधन, दे वर ऑल वेरी पायस सोल्स. सो दे वर ऑल लिविंग इन हेवनली प्लैनेट्स. तो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे कंटिन्यू रिमेनिंग ओवर देयर या फिर वहां से और आगे जाए, तो दे नीड टू बी गिवन सम सैक्रिफाइसेस. तो तभी उनके जो मतलब क्या बोलते हैं डिसेंडेंट्स है, they have to perform some sacrifices ताकि उनको वो कर्म मिलता रहे. अगर ना मिले तो वो गिर जाएंगे वापस. They will not be able to stay in the heavenly planet for long time. They will come down and again take birth. So that is how this happens. इसलिए हाँ, it definitely it purifies. मतलब बट अभी हमें करना नहीं है बिकॉज अभी वी डू नॉट हैव क्वालिफाइड ब्राह्मणस जो पिंडदान कर सकता है. कोई कर भी रहा है पिंडदान, मतलब वो उतना प्रॉपरली नहीं हो रहा है. वो खाली शोपीस इवेंट है, वो जो भी हो रहा है वैसा है. हाँ, क्योंकि एक प्रॉपर पिंडदान सेरेमनी अगर कर रहे हैं, देन आवर एंसेस्टर्स सच्ची में आते हैं एंड दे टेक द फूड. या फिर आप प्रॉपर सैक्रिफाइस कर रहे हो, मतलब जैसे आपने देखा रहेगा जब दशरथ महाराज थे, दशरथ महाराज ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था, तो सच्ची में जो विष्णुदूत है वो आए थे और उन्होंने खीर का मतलब प्रसाद दिया था. अब बोला था कि आपके रानियों को ये खीर का प्रसाद दीजिए तो वो गर्भवती बन जाएगी. सो इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, इसका मतलब अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज नॉट एज पोटेंट. ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ पोटेंट नहीं है, देयर विल बी सम पोटेंसी डेफिनेटली, बट इट्स नॉट हैपनिंग दैट वेल. बिकॉज अगर प्रॉपर पिंडदान सर्विस करेंगे तो द डेमीगॉड्स विल कम. लाइक ब्राह्मण हैज दैट पावर टू ब्रिंग द डेमीगॉड्स एंड टेक ऑल द ऑफरिंग्स, राइट. प्यूरिफिकेशन फॉर अस ऑल्सो. अगर हम पिंडदान कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग स्क्रिप्चर इन सम वे. सो ऐसा नहीं कह रहे कि वो बंद कर दीजिए. इफ यू आर डूइंग इट, डू इट. बट जो पिंडदान सेरेमनी हो रहा है वो पहले के जैसे उतना पोटेंट नहीं है. पहले कैसा काम देता था वैसा अभी काम नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रहा है. क्योंकि ब्राह्मण जो है ही इज नॉट अ प्रॉपर ब्राह्मण. एक प्रॉपर ब्राह्मण देवताओं को डायरेक्ट बुला सकते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण अभी है नहीं कलयुग में. तो दैट्स अ रीजन. So by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. So this is also very important. So, कई बार मतलब आज के जमाने में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे जो newly wed couples हैं, उनके जो बच्चे हो रहे हैं, like they are very चंचल, आप देखो मतलब बहुत चंचल है, उनमें जरा भी मतलब भक्ति नहीं होती. फिर they don't want to do anything spiritual. In general मतलब ये काफी लोगों का complaint है कि ऐसे है. इसका रीजन ये है कि जब मतलब इन वेदास भी यहाँ पर सेरेमनी है गर्भदान संस्कार, मतलब गर्भ में वो सोल आने से पहले ही हमें बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ, टू प्यूरिफाई आवर स्पाउस, टू प्यूरिफाई आवर फैमिली.
व्हेन वी प्यूरिफाई आवरसेल्फ तभी जाके जो वो गर्भ में सोल आएगा दैट सोल विल बी पायस और दैट सोल विल बी ग्रेट डिवोटी. उसके बाद मतलब आप समझ रहे हो अगर सीड जो है जो बीज है वो बीज ही अच्छा नहीं है तो आप बाद में कितना भी उसको मतलब फर्टिलाइजर दो या पानी दो या जो भी दो जो फल आएगा वो अच्छा नहीं आएगा. सो दैट इज व्हाई ऑल दीस सेरेमनीज व्हाटएवर इज देयर जो संस्कार है हमारे गर्भधान संस्कार दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि हम फॉलो नहीं कर रहे तो हमारे जो बच्चे हो रहे हैं दे विल नॉट बी वेरी पायस दे विल नेवर बी डिवोटेड इट्स लाइक दैट. सो अभी क्या बता रहे ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिन सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशन आर डिस्ट्रॉयड ऑलवेज ड्वेल इन हेल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमारे जो संतान है या फिर संतान के संतान है अगर वो ये सब सैक्रीफाइसेस नहीं कर रहे दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी सैक्रीफाइस दे आर नॉट चैंटिंग देन दी एंसेस्टर्स दे ऑल्सो फॉल डाउन एंड अल्टीमेटली दे एंड अप इन हेल. सो वो उनका भी कभी कल्याण नहीं होता. सो अर्जुन इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स. सो अर्जुन इज गिविंग ऑल दिस थिंग्स एंड ही सेइंग अलास हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंपल एक्टिविटीज ड्रिवन बाय द डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस वी आर इंटेंट ऑन किलिंग आवर ओन किन्समैन. मतलब कुछ टेम्पररी पाने के लिए मैं अननेसेसरली मेरे खुद के रिलेटिव्स को मार रहा हूँ. So better it is, better if sons of the Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. So yahan pe Arjun has become very emotional. So what is he saying? It's better that the sons of Dhritarashtra, they kill me unarmed rather than I fighting with them and killing them. So Arjun has become very depressed. So here he says, Sanjay said that Arjun having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot. His mind overcome, overwhelmed with grief. So this is the end of the first chapter. So this first chapter is basically giving you an overview. So ek baar wapas recap karte hain first chapter ka. So initially what happened is Duryodhan is explaining ki Pandav ke side mein who are the great persons and on our side also who are the great persons. Fir Duryodhan ne logically bataya ki according to his calculation the Kauravas will win because Kauravas have a superior army and they are better generals. That is why Kauravas will win. Fir kya hua ki Arjun became excited. He wanted to see who was there in the opposing army. To unhone Krishna ko bola ki ek kaam kijiye ab rath ko dono army ke beech mein khada kar dijiye taki main dekh sakun ki samne kaun hai. When Krishna placed this chariot in between the both the armies, to Arjun he saw that in the opposing army all his friends were there, all his relatives, grandfather, guru and everyone was there. So he got confused and then Arjun became like emotional and he started giving all these arguments. Agar main unko maar do to family tradition kharab ho jayega, then what will happen, like main jeetne ke baad bhi main haar jaunga because I will know where, main kisi ko bata nahi sakta ki main jeeta hu, right? So ye sare arguments bata rahe. So then Prabhupada he says in the purport ki Arjun is actually very great devotee, he knows everything but temporarily he has been put in such a situation. Matlab jaanbujh ke Krishna only has bewildered Arjun so that he asks this question and Krishna can deliver the Bhagavad Gita. To ye jab Gita ka gyan hai ye Arjun ne us time pe ye sare questions puche isliye aaj hum seekh pa rahe hain, isliye aaj hame ye jo gyan hai ye mil raha hai. So from second chapter hum dekh sakte hain ki how Krishna is answering all these questions. So Krishna will answer all these questions very nicely. एक एक टॉपिक पे उन्होंने एक एक चैप्टर बोला है और ये बहुत ही मतलब डिटेल्ड है. मतलब भगवद गीता इज सो डिटेल्ड इज कि मतलब हम एक श्लोक दो तीन दिन तक भी डिस्कस कर सकते हैं. इट्स सो डीप इन मीनिंग बट वी लाइक इन दिस पर्टिकुलर सीरीज व्हाट वी आर कंटेंटिंग लाइक आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अ समरी ऑफ द भगवद गीता ताकि जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं फॉर देम इट बिकम्स ईजी. तो अगर डायरेक्टली किसी को कह दो कि मतलब भगवद गीता पढ़िए तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट. तो अगर आपको पहले से पता चल गया कि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर में है तो आपको पढ़ने में इजी पड़ेगा. तो दैट्स द रीजन वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज. सो देयर इज अनदर सीरीज व्हिच हैपेंस एवरी संडे. तो वहां पे एवरी डे वी डिस्कस ऑन फोर श्लोक. सो वो फोर श्लोक काफी डिटेल में करते हैं. तो लाइक यू कैन अटेंड दिस सीरीज ऑल्सो दैट ऑल्सो. सो दिस इज मोर ऑर लेस लाइक वी आर कनेक्टिंग दिस सो दैट आप लोग भगवदगीता पढ़ पाओ एंड इजिली मतलब आगे बढ़ पाओ. ठीक है. So, किसी को कोई क्वेश्चन है? भगवत गीता कितने दिन तक चली थी जो कुरुक्षेत्र में? दिन में नहीं, वो it happened only for 35 minutes. Only 35 minutes. So, in the भगवत गीता there are only 700 श्लोक्स.
श्लोक मतलब समझ रहे हो, मतलब इट्स लाइक अ संस्कृत वर्स. तो जैसे मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, दिस इफ आई से इट इन संस्कृत इट्स अ वन वर्स, तो आप समझिए 700 लाइंस बोलने में कितना टाइम लगता है. आप बोलिए दो, अगर मैं और आप बात करेंगे 700 लाइंस हम बोल रहे हैं, इट कैन आधे घंटे लगेगा, क्योंकि दिस हैपेंड ओनली फॉर 35 मिनट्स एंड दिस हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर. मतलब वॉर स्टार्ट होने से पहले मतलब दोनों ने प्रिपरेशन कर लिया, फिर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ वॉर तो थोड़ा डिले हुआ था, मतलब सब प्रिपेयर कर रहे थे. उसी के बीच में लाइक कृष्णा स्पोक दिस भगवद गीता टू अर्जुन, एंड व्हेन कृष्णा वाज स्पीकिंग दिस भगवद गीता टू अर्जुन, लाइक सिर्फ अर्जुन नहीं सुन पा रहे थे, अलॉन्ग विद अर्जुन जो देवता है वो भी सुन पा रहे थे, या एंड संजय भी सुन पा रहे थे, संजय के पास वो डिवाइन विजन था कि वो देख पा रहे थे कि कहां पे क्या हो रहा है, वो भी सुन रहे थे, एंड धृतराष्ट्र बदल रहे थे. सो इट्स लाइक दिस भगवद गीता वाज स्पोकन इन बिटवीन बोथ आर्मीज सो दैट एवरीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. इट्स लाइक दैट. भीष्म पितामह ऐसे कई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि उन्होंने सुना, शास्त्रों में उल्लेख भी है कि किन किन लोगों ने सुना था. एक तो पता है कि जो डेमिगॉड से उन्होंने सुना था, व्यास मुनि ने सुना था, धृतराष्ट्र ने सुना था, संजय ने सुना था और अर्जुन ने सुना था, तो ऐसे कोई डायरेक्ट लिखा नहीं. हाँ यस तो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ यू रीड द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ठीक है नॉट थर्ड फोर्थ चैप्टर ट्रांसेंडेंट नॉलेज, फोर्थ चैप्टर में फर्स्ट वर्स में कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना कि ये जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट सम न्यू नॉलेज, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन दिस टू विवास्वान, विवास्वान इज द सन गॉड. तो तभी अर्जुन पूछते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अर्जुन नोस कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, बट स्टिल फॉर आवर सेक एंड फॉर एवरीवन सेक ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सन गॉड वाज बोर्न मेनी 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 मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बिफोर योर बर्थ, सो हाउ कुड यू हैव स्पोकन दिस टू सन गॉड, ऐसा वो पूछ रहे. So then Krishna says that many, many births both you and I have taken, but I remember all of them, you do not. So that's when he says, I am the Supreme Personality of Godhead. That's why I remember all my births. Sare births mujhe pata hai. To unhone ye knowledge jo hai sabse pehle sun god ko diya tha, and sun god gave it to his son. Unhone unke bete ko diya tha. Aise karke, there was a continuous transmission of this knowledge. बट समवेयर ऐसा होता है ना, आपने देखा रहेगा कि अभी भी कलयुग में तो बहुत ज्यादा होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा, आपने किसी को कहा, उसने किसी को कहा, ऐसे करके नॉलेज ब्रेक हो जाता है, कई बार नॉलेज करप्ट भी हो जाता है. तो अगर मैं कितना भी अच्छे से कहूँ, एट मैक्स मतलब इट्स ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि आई कैन ट्रांसमिट ओनली 80% ऑफ व्हाट आई नो टू यू. वैसे आप और उनको बता रहे, तो आप भी आपको जितना 80% मिला उसका 80% आप उनको बता पाओगे, मतलब उनके पास मैंने जो बताया उसका 64% जाएगा, वो जाके उनको बताएंगे, उसका भी 80% बताएंगे. तो ऐसे करके नॉलेज है ना डिग्रेड होता रहता है, जैसे जितना लंबा लाइन होता है, अनलेस आप लिख के दो तो अलग बात है, बट ऐसे ओरली बताओगे तो वो गिरता रहता है. तो वैसे करके व्हाट हैपेंड कि जो ओरिजिनल भगवत गीता है इसका दिस नॉलेज गॉट करप्टेड, एंड हेंस कृष्णा हैड टू री स्पीक द भगवत गीता. तो उन्होंने अर्जुन को अभी जो भगवत गीता बताया ये वापस उन्होंने बताया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बता रहे थे कि भगवत गीता अभी जो हमारे फॉर्म में है दैट इज ऑफ 700 श्लोक्स, राइट. तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो बोला था वो 700 श्लोक्स का तो नहीं रहेगा, उस टाइम पे सेटिंग अलग रहेगा, बट हैविंग सेड दैट द फिलॉसफी वुड बी सेम. तो यहाँ पे जैसे हम देखें कि फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द वॉर, तो वहां पे वॉर तो नहीं रहेगा, वो हमारे पास है नहीं, तो वी कैन नॉट से कि वो सेम था कि नहीं था कि कितना नहीं था. बट कृष्णा हिमसेल्फ सेज कि ये जो फिलॉसफी है मैंने पहले ही बताया था, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ. आप ये फॉर्म देखिए, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ. तो ये जो फॉर्म है आप पूरे इसमें देखिए, तो इसमें कैसा है कि धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे
संजय को लाइव दिख रहा है युधिष्ठिर और संजय इनको बता रहे, और ये सब चीज मतलब ये पावर किसको दिया था, व्यासदेव ने संजय को पावर दिया। व्यासदेव को भी ये चीज दिख रहा है, तो व्यासदेव के पास वो पावर था कि पूरे तीन वर्ल्ड्स में कहां पे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या पहले हुआ था, सब कुछ उनको दिखता था। सो ही वाज एबल टू सी दिस एंड व्यासदेव इज द पर्सन हु रोट द महाभारत। तो आप समझ रहे हो, व्यासदेव ने जो देखा वो एज इट इज लिखा है। तो इसके लिए जो जो भी वर्ड्स यहाँ पे कहे गए दीज आर एज इट इज, बिकॉज ये किसी को बताया फिर उसने लिखा, ऐसा नहीं है। व्यासदेव ने खुद अपने हाथों से ये चीज लिखा है। इनफैक्ट उन्होंने भी लिखा नहीं है, उन्होंने कैसे लिखा था, उन्होंने गणेश जी को बोला था, गणेश जी को डिक्टेट कर रहे थे और गणेश जी वाज राइटिंग, तो उनके प्रेजेंस में ये सारा पूरा महाभारत लिखा गया। एंड महाभारत का एक छोटा सा पार्ट रहता है भगवद गीता। भगवद गीता सबकोज लाइक इट्स द क्रीम ऑफ द महाभारत। अगर महाभारत में से कुछ हमें सीखना है सो दैट इज ऑल गिवन इन द भगवद गीता। सो ये सारे जो श्लोक्स देख रहे हो दीस हैव बीन स्पोकन एज इट इज, वहां पे ऐसे ही बोला था। हाँ, तो 5000 साल पहले ही व्यासदेव ने लिख दिया था। वो लिखा हुआ फॉर्म वो वाली बुक से वो किताब भूली है इंद्रदास पे है अभी। सॉरी, और जो भी लिखा था गणेश जी ने या किसी ने भी लिखा था वो किताब वो बुक नहीं है ना, वो तो किसी के जरिए जरिए फिर एक ने किसी को बताया। हाँ, तो कैसे होता था वो भी बता देता हूँ कि पहले के जमाने प्रिंटिंग का तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कोई किसी ने लिख दिया फिर उसको वो कोई कॉपी करके लिखता था। बट महाभारत एक ऐसा चीज है जिसमें ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसे कुछ शास्त्र है जहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है कि एक कॉपी में कुछ लिखा है दूसरे कॉपी में कुछ और लिखा है, बट महाभारत वैसा नहीं है। महाभारत का मतलब जो कॉपी है दैट इज लाइक नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, जो उसका संस्कृत कॉपी है इट इज एड इज इट हैज 1 lakh verses और ये 1 lakh verses में से एक पार्ट आता है। तो महाभारत जो है उसमें पर्व में डिवाइडेड, पर्व मतलब पार्ट्स होते हैं। तो ये जो भगवद गीता है दिस कम्स इन भीष्म पर्व। भीष्म पर्व मतलब युद्ध का जो स्टार्ट हुआ था, जब इनिशियल 10 days भीष्म वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कौरवास, इस टाइम पे भगवद गीता वाज स्पोकन, तो उस पार्ट में आता है। एंड भगवद गीता में ऐसा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी ने कुछ बीच में लिख दिया है ये लिख। मैं आपके क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि इतने साल पहले बोला था किसी ने माइनिपुलेट किया कि नहीं किया, वो आप पूछ रहे। भगवद गीता में ये प्रॉब्लम नहीं है। कुछ शास्त्र है जिसमें ये प्रॉब्लम है बट वो मैं आपको अलग से बताऊँ। अच्छा, एक और चीज है कि भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं, यथारूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यथारूप? भगवान ने खुद ने मतलब हाँ, भगवान ने खुद ने बताया तो वो है ठीक है। हाँ, तो एक और चीज है कि भगवत गीता जो है ये 700 श्लोक है। तो अब आप मार्केट में जाओगे आपको बहुत सारे वर्जन मिलेंगे भगवत गीता, इसमें वो 700 श्लोक्स तो एज इट इज लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर समझो किसी साइंटिस्ट ने भगवद गीता पे कमेंट्री लिखा है, कमेंट्री मतलब समझो कुछ भाषांतर किया है या फिर कुछ किया है, तो उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है भगवद गीता। तो अगर कोई श्लोक है, सिंपल चीज है, अगर कृष्णा कह रहे हैं कि यू सरेंडर टू मी, तो प्रभुपाद जी व्हाट इज सेइंग कि इसका मतलब ये कि यू सरेंडर टू कृष्णा। And we are also intelligent, we can understand. अगर कृष्णा कह रहे हैं कि you surrender to me, तो मतलब meaning ये है कि we should surrender to Krishna. But there is some commentator वो क्या बोलते हैं कि surrender to me doesn't mean surrender to Krishna. It means we have to surrender to eternal unborn within Krishna. For Krishna's this is different, that is different. तो आप समझ रहे हो? तो every person is interpreting Bhagavad Gita in a different way. Because but, they don't come in parampara. Yeah. So Prabhupada is not like that. प्रभुपाद जो संस्कृत में लिखा है एज इट इज इज ट्रांसलेटिंग। एंड कृष्णा कहते हैं कि यू सरेंडर टू मी सेइंग यू सरेंडर टू कृष्णा। एंड प्रभुपाद हैज लर्न्ड दिस नॉलेज इन अ डायरेक्ट डिसिप्लिन सक्सेशन। तो अगर भगवद गीता के स्टार्टिंग में आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं बट एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा। तो कृष्णा स्पोक दिस नॉलेज टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी स्पोक इट टू नारद जी, नारद जी ने ये व्यास मुनि को बताया था, व्यास मुनि ने ये मध्वाचार्य को बताया था, ऐसे करके देयर इज अ अनब्रोकन लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन। और इसी लाइन में प्रभुपाद जी इज कमिंग। सो प्रभुपाद जी हैज लर्न्ड द स्क्रिप्चर इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो जैसे हम पढ़ाई करते हैं राइट, तो अगर किसको इंजीनियरिंग करना है मुंबई में करना है तो वो कहाँ पे जाएगा? ही विल गो टू एनी कॉलेज विच इज अफिलियटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि कल किसी नेता ने कोई कॉलेज खोल दिया और कुछ कुछ उसका एक्रीडिएशन नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है, वहां पे जाके इंजीनियरिंग कर लिया बोले कि मैं इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता राइट। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स।
So like this Bhagavad Gita also we have to learn from someone who is in that proper university or in that proper disciplinary succession. So Prabhupada ji is in that succession, he is the founder of ISKCON. And we are all learning this from Prabhupada ji only. So that is why we should come and hear it from proper sources, then only we can understand the Bhagavad Gita as it is. Okay. Any other question? Okay. Where is Prashant? Vrindavan. Okay. So this is it for today. So like this, we have these sessions every Saturday, Sunday, from 5 to 6 in the evening. So this session is known as Light of Bhagavad, and this happens either in this hall or in the Chakra hall. So after this we have Prashadam. So aap mein se jo bhi first time aaye kon kon aaye ek baar aap log se to so aap log maybe ek baar mere sath mil ke jaiye ek baar, theek hai? And rest of you can go to Vrindavan. Achyut Balwant, yeah. Haan, okay. तो हमारा एक ऑन हमारा एक्चुअली ये जो सेशन हो रहा है ये ऑनलाइन भी अगर आप देख रहे हो पोस्ट हो रहा है राइट तो ऑनलाइन भी कई सारे लोग हैं यहाँ पे सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन आल्सो सो वी विल ऐड यू टू अ ग्रुप इन व्हाट्सएप वहाँ पे आपको ऑनलाइन मीटिंग लिंक मिलेगा बेस्ट इज यू कम टू द क्लास फिजिकली बट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल देन यू कैन डेफिनेटली अटेंड ऑनलाइन दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन ओके ओके मॉर्निंग ओके ओके तो हमारे पास है ना लाइक इफ यू वांट टू अटेंड आवर प्रोग्राम सो मॉर्निंग 7:30 सो 7:15 इन द मॉर्निंग आल्सो वी हैव अ क्लास सो वी आर रीडिंग द कृष्णा बुक ओवर देयर सो उसका भी लिंक आपको उसी ग्रुप में आ जाएगा लाइट ऑफ बार्बर व्हाट्सएप ग्रुप में सो वो आप ज्वाइन कर सकते हो दैट इज वन ऑफ अ प्रोग्राम व्हिच हैपेंस डेली एंड एट द सेम टाइम शाम को 8 बजे भी एवरी डे वी हैव अ ऑनलाइन सेशन on different books. So, Bhagavad Gita ka hum Thursday ko karte hai. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is Bhagavad Purana. It's the topmost Purana. So, that we do every Tuesday. Chaitanya Charitra mein is again another scripture that we do every Wednesday. So, like this, every day we have different lectures. So that these also happen online. So, these also you can attend. But I would strongly urge you to come for Saturday Sunday class because Saturday Sunday is generally off for most of us and initially if you are coming for physical classes it's good because it becomes easy to clarify your doubts and to get a start and of course you can attend online also so that is also there physical is a better opportunity yeah yeah so physical is any time better so we all had lockdown so we were all working from home right working remotely but if we are discussing face to face it's a different experience altogether it becomes easier to transmit knowledge to gain knowledge and to ask questions also okay Hare Krishna